लगा कि मैं यू नो मैं बस बैठ गई और मैंने सोचा कि सना तुम तो अपने आप को प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल न्यू वीडियोस। मैं बस बैठ गई और मैंने सोचा कि सना तुम तो अपने आप को बड़ी पॉपुलर समझती हो, जहां जहां जाते हो लोग आपसे पिक्चर लेते हैं, आप यू नो जो काम आप कर रही हो पर्दे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, तो क्या मैं वाकई इतनी पॉपुलर हूँ, क्या मेरी कोई कीमत है? और हम सब जानते हैं कुछ चीजें जो होती है वक्ती होती है। आज मैं हूँ, मेरा वक्त है, थोड़ा आप जवान है तो आपकी कीमत है। जैसे जैसे आपका यू नो एज आ जाती है, आपकी उस फील्ड में, एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं थी, और देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि अरे इनकी एज हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये वक्त वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्या मैं रियली कामयाब हूँ? और यू नो तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामयाबी नहीं है। जब इंसान की जो कीमत है ना, चीजों की कीमत तो इंसान लगाता है, पर जो इंसान की कीमत है ना वो अल्लाह लगाता है। और इंसान की अगर कीमत अल्लाह की नजर में इधर है तो वही असल कीमती चीज है। और इसीलिए मैं अपने लाइफ को बदलते गई, कुछ चीजें करती गई कि दुनिया तो वक्त निकल जाना है, लेकिन असल चीज है हमारी आखिरत, असल चीज है अल्लाह से मिलना। और मैं उनकी नजर में कामयाब होना चाहती हूँ, मैं उनकी नजर में वैल्यूबल होना चाहती हूँ कि ये मेरी बंदी है और ये वाकई वैल्यूबल बंदी है, इसने अपनी जिंदगी को सही रुख पे लेके गई और अपनी जिंदगी का वैल्यू समझा जो मैंने इसे दिया। तो बस इन सारी चीजों को आपको बताने का खुलासा ये है कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की नजर में कामयाब बने, अल्लाह की नजर में कीमती बने और इस दुनिया में एक अच्छे इंसान बने, हम लोगों के काम में आए। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उखरजत लिन्नास पे, कि हम हमारे दोस्तों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर किसी के काम में आए, ना ही यू नो उनकी बैठ के गीबत करे या उनका दिल दुखाए या उनके लिए ऐसी चीजें बोले और निकल जाए। उससे देखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज का इनाम है। आपको सब्र का भी इनाम है, जो कुरान पाक में और हदीसों में कहा गया है। तो बेशक मैं मानती हूँ कि इन चीजों का रिवॉर्ड तो हम सबको मिलेगा, जो भी सब्र रख रहे हैं, जो लोगों की ताना कसनी सुनते हैं, कोई मसला नहीं है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए, उन्हें दुआएं दे और उनको पुश करे एक अच्छे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ना ही उनकी टांग खींची करे कि भैया यू नो कैसे किसी को वो किया जाए। क्योंकि चाहे इंसान जो भी कर ले, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के कह रही हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कुरान पाक की जो आयत है, वत इज्जु मन तशा वत जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। कभी कभी इज्जतों में जिल्लत छुपी होती है और कभी कभी लोगों के जिल्लतों में इज्जत छुपी होती है, वो हमें नहीं पता। तो बस हम दुआ करें और लोगों के काम आए और एक अच्छे इंसान बने और अल्लाह की नजर में कीमती बने। खुदा हाफिज़।